मध्य प्रदेश के मनावर थाने के ग्राम बोरलाई से मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां कुछ लोगों ने 6 किसानों को बुरी तरह से पीटा। इसमें एक किसान की मौत भी हो गई, जबकि अन्य बुरी तरह से घायल है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी गई थी, जबकि मामला पैसों के लेन देन के विवाद का था। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने बुधवार को 6 किसानों को लाठी पत्थरों से बुरी तरह से पीटा। इसमें एक किसान की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। भीड़ ने किसानों की 2 कारों में तोड़फोड़ की। घटना तिरला इलाके के खड़किया गांव की है। पीड़ित उज्जैन जिले के लिंबी पिपलिया गांव के रहने वाले हैं। 6 किसान मजदूरों से अपना एडवांस रुपया लेने गांव पहुंचे थे, जहां रुपए नहीं देने का मन बना चुके मजदूरों ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी। घटना के फोटो वीडियो में हमलावरों के चेहरे दिख रहे हैं, फिर भी 12 घंटे में कोई गिरफ्तार नहीं हुए। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 2 गाड़ी में 6 लोग आए थे। किसानों ने मजदूरों को 50,000 रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन कुछ मजदूर काम किए बगैर भागकर गांव आ गए थे। तिल्ला के खड़किया गांव में इन लोगों को बुलाया गया, इन पर पत्थरबाजी की गई और पीछा किया, फिर इनके बच्चा चोर होने की अफवाह फैलाई गई। बोरलाई गांव के हॉट बाजार में 500 से ज्यादा की भीड़ ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कार चालक गणेश को बड़वानी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जगदीश राधे श्याम शर्मा, नरेंद्र सुंदर लाल शर्मा, विनोद तुलसी राम मुकाती, रवि पिता शंकर लाल पटेल, जगदीश पूनम चंद शर्मा को इंदौर लाया गया। रवि की हालात गंभीर है। पुलिस ने 3 आरोपी मजदूरों अवतार सिंह, भुवन सिंह, जाम सिंह की पहचान कर ली है। उसके साथ 10 से 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा उज्जैन और तिरला थाना पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। बाद में मजदूरों का फोन आया कि आप खड़किया आ जाओ, यही अपना हिसाब कर लेंगे। हम 6 लोग 2 गाड़ी लेकर बुधवार को तिरला थाने पर पहुंचे। उन्हें बताया कि खड़किया के लोगों से पैसा लेना है और वे उन्हें बुला रहे हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती जगदीश शर्मा ने कहा कि जैसे ही हमारी गाड़ियां गांव में घुसी, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हम गाड़ी घुमाकर भागे, कुछ दूर ही चले थे कि भीड़ ने घेर लिया। लोग चिल्ला रहे थे कि बच्चा चोर आ गए, मारो, जिंदा मत छोड़ो। भीड़ ने हमें बाहर निकाला और लोग बुरी तरह से पीटने लगे। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा नाम है मेरा। लिंबा पिपलिया उज्जैन जिला का रहने वाला हूँ। सर, हम मजदूर के पैसे लेने आए थे यहाँ, और बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया वहाँ पहुँचे। और सर, वो हमारे यहाँ पानी वानी देने गेहूँ में इसमें आए थे दाड़की के लिए, तो वो वहाँ दाड़की कर रहे थे। घर से हम चले तिरला थाने आए, वहाँ थाना पे सूचना दी थाना वाला साहब ने, और इनने बोला बोले चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं बुला रहे वो तो, पर मगज मारी मत करना सर, हमको गाड़ी में से नहीं उतरने दिया उन्होंने और पत्थर मारने लग गए। हम सर गाड़ी भगाई हमने, फिर पत्थर चालू करे तो आगे फ़ोन कर दिया, बोले बच्चे पकड़ने वाले हैं, तो वो आगे के गांव वालों ने सबने फिर पकड़ के मारा सर। बहुत पूरा गाँव ही था सर। विनोद मुकाते, शिवपुर खेड़ा, जिला इंदौर, तहसील सामेर। सर, हम सुबह 6 बजे हमारे घर से आए थे, तो तिरला थाना पे हमने रिपोर्ट डलवाई, और ये 5 मजदूर हमारे 5 आदमियों के यहाँ रहते थे और 50,000 रुपए लेकर आए थे, और इन्होंने कल फ़ोन करके हमको बुलाया कि आपके पैसे ले जाओ। तो हमने तिरला थाना पे वहाँ पर बोला पुलिस वालों को कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने क्या बोला कि चले जाओ, और हम गांव में गए और उन्होंने पत्थर मारना गाड़ी पे चालू कर दिया। तो हम भागे ऐसे ही रोड रोड, तो आगे उन्होंने बोल दिया कि बच्चे चोर बच्चे चोर, और फिर आगे हमको रोक के गांव में खूब पीटा। आप कितने लोग? हम 7 जने। नाम बता दे। मैं डॉक्टर अमित जायसवाल यहाँ मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ। यहाँ पे अभी 108 द्वारा पुलिस के द्वारा 6 घायलों को लाया गया था, जिसमें से उनका उपचार किया गया। 2 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें हमने रेफर किया है हायर सेंटर पे। बाकी 4 लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। देखिए, आज बोरलाई गांव थाना मनावर में घटना हुई, जिसमें
एक्चुअली ये पैसे के लेन देन का मामला है, जिसमें ये कुछ दो गाड़ी में पाँच छः लोग जिनके यहाँ ये मज़दूर काम करते थे, तो क्योंकि इन्होंने पैसे ले लिए थे एडवांस और मज़दूरी नहीं ली थी तो करवाई थी, तो ये उनसे कुछ पैसे मांगते थे। तो ये जो गांव वाली पार्टी है खिड़किया गांव की तिरला की, इन लोगों ने उनको बुलाया गांव में और पहले उन पर पत्थरबाजी की, उसके बाद इनको चेज़ किया। चेज़ करने के बाद बोरलाई गांव के पास इनको पकड़ के इनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई। सर कितने लोग? देखिए अभी मुख्यतः इसमें तीन लोगों के नाम आए हैं और अन्य 10-15 लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में थे। सर घायल? घायल 5 लोग हैं। कितने की मृत्यु हुई? एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। सर किस तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है? अभी पुलिस इसमें जो बलवा की धाराएं हैं और साथ में 307 और 302 की धाराओं में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा नाम है मेरा, लिम्बा पिपलिया उज्जैन जिला का रहने वाला हूँ। सर हम मजदूर के पैसे लेने आए थे यहाँ और बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया वहाँ पहुँचे। और सर वो हमारे यहाँ पानी वानी देने गेहूँ में इसमें आए थे दाड़की के लिए, तो वो वहाँ दाड़की कर रहे थे। घर से हम चले तेला थाने आए, वहाँ थाना पे सूचना दी थाना वाला साहब ने और इनने बोला बोले चले जाओ कुछ दिक्कत नहीं बुला रहे वो, तो पर मगज मारी मत करना सर, हमको गाड़ी में से नहीं उतरने दिया उन्होंने और पत्थर मारने लग गए। हम सर गाड़ी भगाई हमने, फिर पत्थर चालू करे तो आगे फ़ोन कर दिया बोले बच्चे पकड़ने वाले हैं, तो वो आगे के गांव वालों ने सबने फिर पकड़ के मारा सर। बहुत पूरा गांव ही था सर। जायसवाल, मैं बस स्टैंड बोरलाई पे रहता हूँ। मैं पास ही गांव में थोड़ा गया था काम से, तब यहाँ से मेरे घर से फ़ोन गया बोले कि पापा दौड़ो। मैं इनका क्या हुआ बोले कुछ लोग आके यहाँ उपद्रव मचा रहे, इधर तोड़फोड़ कर रहे। मैं इनका कौन लोग हैं तो बोले आप जल्दी आइए, ये मेरे यहाँ सब परिवार घबरा गए। अब यहाँ आके देखा मुझे थोड़ी देर तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी, फिर भी स्थिति को मैंने संभालते हुए बाकी लोगों को थोड़ा दूर करने की कोशिश की। पुलिस को पहले फ़ोन लगा चुके थे जूनापानी वाले रमेश भाई सरपंच, पुलिस आई बहुत लेट, करीब करीब पुलिस को आने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। तब तक यहाँ मेरा बहुत सारा नुकसान हो चुका था और 3 व्यक्ति शायद अंदर थे जो भाग के आए थे। अब उनकी जानकारी मैंने खुद आंखों देखा नहीं देखा था, जब उनको खींच के निकाला तब पता लगा। और हमने खूब समझाइश दी पुलिस के आने के बाद, पुलिस ने भी खूब समझाइश दी कि भैया उपद्रव मत मचाओ, किसी का नुकसान मत करो। मेरे पीछे वाली दुकान के भी शटर तोड़ के उधर से भी ये लोग घुसने की कोशिश करा और दुकान पूरी तरह क्षति पहुँचाई। यहाँ से जो मोबाइल था मोबाइल चोरी हो गया, लैपटॉप पे नुकसान पहुंचा है, दुकान के काउंटर तोड़ दिया है। और तब तक दूसरी व्यवस्था पुलिस ने नहीं करी, पुलिस मात्र 3 जने 4 जने आए, उनसे कोई स्थिति संभली नहीं। या 3 से 4 हज़ार लोग थे जो उपद्रव्य मचाने वाले थे और मेरा काफ़ी नुकसान कर दिया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।